हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हरे चने की बर्फ़ी। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप हरे चने की बर्फ़ी कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हरे चने की बर्फ़ी बनाना। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप चने लिए हैं, अरे चने लिए हैं। तो इनको सबसे पहले हम मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। तो मैंने इनको मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बिना पानी के हम इनको पीस लेंगे। और मैंने यहाँ पर एक कप मावा लिया है, एक कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है। चीनी को भी मैंने मिक्सी में पीस लिया था, पाउडर बना लिया है मैंने चीनी का। तो सबसे पहले गैस पर एक पैन रख देंगे और इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा मावा है इसको हम तोड़ देंगे टुकड़ों में और इसको हम भूनेंगे। ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये घी छोड़ देगा। तब तक हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे। तो मावा हमारा भून चुका है, इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। मैंने यहाँ पर एक बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और घी डालने के बाद जो चने थे वो मैंने जो मिक्सी में पीस लिए थे उनको हम भूनेंगे। मीडियम फ्लेम कर देंगे गैस का और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से एक खुशबू आने लगेगी। तब तक हम ऐसे बीच में चलाते हुए चने भून लेंगे। तो चने हमारे भुन गए हैं, तो जो मावा रखा था भुना हुआ उसको भी हम इसमें मिला देंगे अच्छे से। दोनों को आपस में हम मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इनको हम मिक्स कर देंगे आपस में अच्छे से। तो मिक्स हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें हमें बर्फ़ी जमानी है वो हम डब्बा तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिठाई का डब्बा लिया है खाली, आप किसी बर्तन में भी जमा सकते हैं, लेकिन इसका जो होता है ना पीस थोड़ा सा मोटा रखते हैं, थिक रखते हैं, तो इसलिए मेरे पास ऐसा कोई गहरा बर्तन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये मिठाई का डिब्बा यूज किया है। मैंने ये फॉइल पेपर लिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉइल पेपर लगा देंगे और इसके ऊपर हम घी लगा देंगे, अच्छे से घी लगा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, जो मावा हमने और मिक्स करके चने और मावा भून के रखा था उसको हम हल्का सा बिल्कुल ठंडा कर लेंगे और फिर हमने जो पाउडर शुगर ली थी वो हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे चलाते हुए हम अच्छे से तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। तो हमारे मिक्स हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मैंने 4-5 काजू लिए थे और 4-5 बादाम, इनको मैंने काट लिया है टुकड़ों में। तो आधे हम मिला देंगे, आधे हम बचा लेंगे ड्राई फ्रूट्स ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब हम सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो डब्बा तैयार किया था बर्फ़ी जमाने के लिए, इसमें हम इसको फैला लेंगे, क्योंकि इसका पीस थोड़ा सा मोटा ही रखते हैं, तो इसलिए मैंने पूरे डब्बे में जो मिठाई मैंने बनानी थी वो पूरे डब्बे में स्प्रेड नहीं की है, आधे से थोड़े से ज़्यादा में ही रखी है। अब हम ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके पीस कट कर लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। जो 2-3 घंटे हो चुके हैं उसके बाद हम इसका पीस कट कर लेंगे। फ्रिज में रखने के बाद 2-3 घंटे मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, अब इसका हम पीस कट कर लेंगे। हमारी मिठाई बन करके तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बर्फ़ी को बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।